अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। साइबर क्राइम टीम साइबराबाद की जानिब से क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखा देने वाली चार टोलियां गिरफ्तार, नकद रकम व क्रेडिट कार्ड्स किए गए बरामद। हबीब नगर और बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में घर घर तलाशी मुहिम, मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने चिंतलकुंटा अंडर पास का किया इफ्तिताह, शहर को आलमी तर्ज पर तरक्की देने का किया इरादा। हुकूमती सतह पर मेड़े तखारीफ का इनेखाद, रियासती वज़रा ने तखारीफ से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासी दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती मुनक्किदा मई डे तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क्यादत में तेलंगाना हुकूमत वर्कर्स की हादसाती मौत पर 5 लाख रुपए फराहम कर रही है। इसके अलावा वर्कर्स की भलाई के लिए कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती में मुनक्किदा मेड़े तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क्यादत में तेलंगाना हुकूमत वर्कर्स की हादसाती मौत पर 5 लाख रुपये फराहम कर रही है और ESI के जरिए इलाज व मुआवजे की सहूलतें फराहम करने के साथ साथ सिंगारेंदी वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक ऐलानात भी किए हैं, जिस पर तेज़ी के साथ अमलावारी करने से सिंगरेनी कॉलोनी के वर्कर्स खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भवन निर्माण कार्मिक ESI कावाले वाल यजमा लेर काबी यजमा कंट्रिब्यूशन ले యజమాన్యం కంట్రిబ్యూషన్ మేము బోర్డు నుంచి ఇస్తాం, మిగతాది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే, సగం మీరు సగం మేము ఇస్తే మొత్తం ఈనాడు 12 లక్షల మంది ఈనాడు మా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ESI సదుపాయం వస్తుందని చెప్పి అడిగాం. సూత్రప్రాయంగా సరే అన్నారు. మరి వాళ్ళ ఆదేశాలు ఏమిస్తారో చూద్దాం. ఇక్కడైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారైతే ESI వాళ్ళందరికీ ఇయ్యాలని చెప్పాను. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు వారు చెప్పారు, దానికి మేము ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాం. దీని తర్వాత వాళ్ళందరికీ బెనిఫిట్ ఎట్లా రావాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు ఎట్లా తీసుకురావాలని రేపటి నుంచి ఆ ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో మనం ప్రధాన స్థానం వచ్చాం. रियासी वजीर बलदी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने चिंतलकुंटा अंडरपास का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने कहा कि रियासी हुकूमत मूसा नदी पर एक्सप्रेसवे की तामीर करना चाहती है, जिसके लिए माहौलियाती मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त तक माहौलियाती मंजूरी हासिल हो जाएगी, जिसके बाद तामीरी कामों का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि चिंतलकुंटा LB नगर अंडरपास के आगाज से आवाम को काफी सहूलत होगी और ट्रैफिक में भी कमी होगी। रियासी वज़रा KT रामाराव नानी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मई डे तकरीब से मुखातिब किया। उन्होंने इस मौके पर मजदूर तबके को मई डे की मुबारकबाद पेश की। रियासी वज़रा ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को वो चैलेंज करते हैं कि 2019 में अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो वो सियासत से किनारा कशी करने का अहद कर लें, बसूरत दीगर वो सियासत से हट जाएंगे।
रियासती वज़रा के टी रामा राव और नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मेडे तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए मजदूर तबके को मेडे की मुबारकबाद पेश की। मस्कुरा कायदीन ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मजदूर तबके के लिए कई एक फलाही इकदाम किए हैं। अलावाजी वज़ीर आईटी के टी रामा राव ने कांग्रेस कायदीन को फिर एक बार चैलेंज करते हुए कहा कि अगर 2019 में टीआरएस बरसर इख्तदार ना आई तो वो खुद सियासत से कनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, और अगर टीआरएस बरसर इख्तदार आ जाए तो मेरे चैलेंज को कबूल करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर भी सियासत से संन्यास ले लें। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अलावा कांग्रेस कायदीन को शदीद तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल में वो काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी पिछले 50 साल में भी नहीं कर पाई। కాబట్టి ఎక్కువసేపు తీసుకోను కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం మీతో పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు రాంబాబు గారు మీరు వస్తారా కొద్దిగా సంకోచించుకుంటూ అడిగిండు. ఎందుకంటే నేను పరిశ్రమల మంత్రిని, ఆయన కార్మికుల మంత్రి. జనరల్గా నేను పరిశ్రమలు తెచ్చే పనిలో ఉండాలి, ఆయన కార్మికులను కాపాడే పనులు ఉండాలి. కానీ మా ఇద్దరికి కూడా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. పరిశ్రమలు ఉంటేనే కార్మికులు ఉంటారు, అంతే కదా? పరిశ్రమలు ఎక్కువ వస్తేనే ఇంకెక్కువ కార్మికులకు కూడా ఉపాధి అవకాశాలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా దేశాల్లో, చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈరోజు పరిశ్రమలను కేవలం పరిశ్రమలుగా చూడడం లేదు, పరిశ్రమలను కేవలం ఉపాధి కల్పన కేంద్రాలుగా చూడడం లేదు. పరిశ్రమ ఒకవైపు పారిశ్రామికీకరణకు పెద్దపీట వేస్తూనే, పరిశ్రమలు రావాలని కోరుకుంటూనే, ఉపాధి కల్పన జరగాలని కోరుకుంటూనే, సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడా కూడా కార్మికుల ప్రయోజనాల విషయంలో మాత్రం రాజీ పడకుండా ఈ ప్రభుత్వంలో పరిశ్రమల మంత్రి అయినా కార్మిక మంత్రి అయినా కలిసే పనిచేస్తామని చెప్పి మాత్రం నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా కర్షక కార్మిక పక్షపాతి, రైతులకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఆయన ఇస్తూ ఉన్నారో అదే పద్ధతిలో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉండే సంఘటితంగా ఉండే కార్మిక రంగంలో నాయకులు కావచ్చు, కార్మికులు కావచ్చు, అసంఘటితంగా ఉండే కార్మిక రంగంలోని నాయకులు కావచ్చు, వారికి ఎందుకు ఈ విషయం స్వానుభవంగా తెలుసు అంటే, గతంలో కేంద్ర మంత్రివర్గంలో గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒక దఫ మాత్రమే కేంద్ర మంత్రివర్గంలో పనిచేసిన విషయం కూడా మేందరికి తెలుసు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ భట్టి విక్రమార్క నే తెలంగాణ కె చంద్రశేఖర్ రావు కే ఖాయం కర్దా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కో బీజేపీ కి బి టీమ్ ఖరార్ దియా. ఉన్నోనే కహా కే వజీర్ ఆలా రియాసత్ కే మఖ్తస్ కర్దా ఫండ్స్ మే ఉన్కీ ఇత్తలాత్ కే ముతాబిక్ 100 కరోడ్ రూపే కర్ణాటక ఇంతిఖాబాత్ కే లియే రవానా కియే హై. उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि वो खुले आम मबाहिस के लिए आ गया है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कायम करदा फेडरल फ्रंट बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने रियासी बजट से उनकी इत्तलात के मुताबिक 100 करोड़ रुपये कर्नाटक इंतखाबात के लिए फ़ंड रवाना किया है, और इसीलिए कांग्रेस कायद ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वज़ीर आज़म और बीजेपी का एजेंट करार दिया। वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला को इस बात का चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो फौरी तौर पर ग्राम सभा का इनेखाद अमल में लाते हुए अपोजिशन कायदीन के सामने ये वाजे करें कि टीआरएस के 4 साल दौर इख्तदार में कितने डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए और कितने दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की गई। इसके अलावा मुसलमानों और गिरिजनों को दिए जाने वाले 12% तहफ़ुज़ात के लिए क्या इकदामात किए गए और केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए कितने स्कूल्स का ख़याम अमल में लाया गया है। सर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मेडे के मौके पर गांधी भवन में परचम लहराया। दाजा खिताब करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दौरे इख्तदार में वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम किए थे और महात्मा गांधी कौमी जमानत रोजगार स्कीम के तहत कई काम फराहम किए गए, और उधर गुजर 4 सालों के दौरान मरकज और रियासती हुकूमतें लेबर्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुकी हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मेडे के मौके पर गांधी भवन में परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए वर्कर्स को मेडे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी की क़यादत में अपने दौर इख्तदार में वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम किए और महात्मा गांधी कौमी जमानत रोज़गार स्कीम के तहत 100 दिन काम फराहम किया, जबकि वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इकदाम किए गए, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मरकज़ की NDA और रियासत की TRS हुकूमत ने इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से रियासत के वर्कर्स माली मुश्किलात से दो चार हैं। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुजूर में वाक़े कुतुब शाही मस्जिद अलकापुर में अचानक दोशंबे की सुबह नामालूम अफराद ने एक मूर्ति रख दी और शराब की बोतलें भी फेंकी गई। मकामी आवाम ने रुकन असम्बली कौसर मोहियुद्दीन और डिवीजन कॉरपोरेटर फराज को फौरी तौर पर मुतला किया। रुकन असम्बली ने बगैर ओहदेदारों को इतला दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर गोलकुंडा मुनव्वर अली अपनी जमीयत के साथ वहां पहुंचे और हालात को देखते हुए उन्होंने वहां से मूर्ति को फौरी तौर पर हटा दिया। मस्जिद को दोबारा आबाद किया गया। मस्जिद रुकन असम्बली ने बाजा बताया कि जुमा को बाजमात इस मस्जिद में नमाज भी अदा की जाएगी। मस्जिद के अंदर एक मेंबर के करीब में मूर्ति लगाकर नारियल और वहाँ पर शराब की भी बॉटल रखे गए। सुबह जैसे किला मिल गई DCP आसिफ नगर और गोलकुंडा इंस्पेक्टर DCP साहब को इतला दी और ये सुबह 10 बजे 10:30 के दरमियान पुलिस इंस्पेक्टर कोटेश्वर और दीगर गोलकुंडे के यहाँ पर आकर वहाँ से मूर्ति को निकाल कर पुलिस स्टेशन को ले गए और इसी मस्जिद के पास साबिका में आज से 4-5 महीने पहले मस्जिद के सामने कैसे में जहाँ पर कुबूर है वहाँ पर 4-5 पतरे लगाकर हुकुम लगाकर वहाँ पर पूजा किया गया था। उस वक्त भी हम इंस्पेक्टर आसिफ नगर और ACP दीगर ऑफिसरों को इतला दिए थे। वोट के चेयरमैन साहब और CEO वगैरह दीगर ऑफिसर भी आए थे। इस मस्जिद के तहत करीब करीब 2 एकड़ की चिल्लर ज़मीन है और ये मस्जिद गैराबाद थी और उस वक्त भी हम चेयरमैन साहब को और CEO साहब को इतला दिए थे कि मस्जिद को आबाद करना ज़रूरी है, यहाँ पर लोग नाजायज़ लैंड ग्रैबर की नज़र है इसके ऊपर। और हम ये भी प्रपोज़ल दिए थे कि यहाँ पर एक माइनॉरिटी स्कूल कायम किया जाए जो वक्फ की ज़मीन है, अगर इसी तरह से खुला रखने से कई लैंड ग्रैबर्स और दीगर लोगों की नज़र है इसके ऊपर, मगर इसके ऊपर कोई ऑफिसर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर की लापरवाही की वजह से आज फिर एक नया हंगामा हुआ। आज देखा जैसे इतला मिलते ही हमें ऑफिसर को भी दिया और सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर साहब की नॉलेज में भी लाया गया और आज सुबह में फिर DCP को और कमिश्नर पुलिस को और चेयरमैन CEO मौजूदा जो इंचार्ज चेयरमैन है शफीउल्लाह साहब तमाम अहदेदारों को बताए। अभी हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर भी है, उसकी कंपाउंड वाल शीट्स के जरिए वो लगाया जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से और पुलिस डिपार्टमेंट से वो अपील करता हूँ कि आने वाले जुमे के दिन इस मस्जिद के अंदर नमाज के लिए हम इंशाल्लाह जुमे की नमाज या असर की नमाज यहाँ पर मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह इसका साथ है। और ये मस्जिद हमारे को ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है, मस्जिद को आबाद करना चाह रहे या इसी तरह से खुला रखने से गैर आबाद रहने से लोगों की नज़र और ये फसाद का उनवान बन सकता है इसके ऊपर। ख़ास तौर से मैं गोलकुंडा इंस्पेक्टर आसिफ नगर ACP साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर एक पुलिस का फिगर डालें, क्योंकि यहाँ पर खुला रहने की वजह से साबिका में भी बताए थे हम यहाँ एक पुलिस का फिगर रहना चाहिए। ये आबाद रोड नहीं है, यहाँ पर चल लोग जाते हैं और हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे। इस पर साबिका में भी पुलिस खुद इंक्वायरी कराकर कई जनों को रिमांड भी करे थे इसी केस के अंदर, लेकिन यहाँ पर नाजायज़ कोई गैर गलत काम करे फिर आज इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी करा उनके ऊपर पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले और उनको जेल को भेजने की कोशिश। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद की जानिब से क्रेडिट कार्ड्स के जरिए धोखाधड़ी करने वाले और बैंक्स को भारी रकम का नुकसान करने वाली 4 टोलियों का पर्दाफाश किया गया। साइबराबाद पुलिस ने 4 टोलियों के जुमला 14 अराकीन को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम पुलिस ने मसूर टोलियों के कब्जे से भारी मकदार में नकद रकम और क्रेडिट कार्ड्स भी जब्त किए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने बाद हजार मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई।
4 lakh రూపాయస్ క్యాష్ ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అది కాకుండా బ్యాంక్స్ లో దాదాపు 74 లక్షల ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ అమౌంట్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇదంతా ఎస్బీఐ ని, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, కోటక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్స్ ని చీల్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ కోరేది అంటే ముఖ్యంగా బ్యాంక్ వరకు చాలా విచ్చలవిడిగా వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఎవరు వీళ్ళు, వాళ్ళు అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఏమో, వాళ్ళ ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఏముంది, వాళ్ళంతకుముందు ఏమన్నారు బ్యాంక్ డీలింగ్స్ ఉన్నా చేయకుండా, వెరిఫై చేయకుండా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని మిస్యూజ్ చేసుకుని బ్యాంక్స్ ని ఫ్రాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్లస్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ యూసేజ్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి జరుగుతుంది. ప్లస్ వీళ్ళ ఆఫెండర్స్ కూడా వీళ్ళంతా ప్రీవియస్ ఆఫెండర్స్, వీళ్ళంతా ముందు కూడా మన సైబర్ క్రైమ్ లోనే లాస్ట్ ఇయర్ అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళ పైన కూడా మనం నిఘా పెట్టడంతో ఇది కొంత మనం బయట రావడం జరిగింది. వాళ్ళ పైన కూడా ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు లిస్ట్అవుట్ చేసి వాళ్ళ పైన కూడా మనము పీడిఆక్స్ ఈ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళ పైన కూడా మనము పీడిఆక్ కేసెస్ ని ఇన్వోక్ చేసి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ కేసులో మనం వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఈ పాన్ కార్డ్స్ తో ఇష్యూ చేసే ముందు యూ హాస్ టు గెట్ అటెస్టెడ్ బై గెస్టెడ్ ఆఫీసర్. సో మనం ఒక గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మోషన్ అని చెప్పి ఈజ్ డిప్యూటీ పారామెడికల్ ఆఫీసర్స్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్నారు, ఆయన కూడా మనం అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎవరెవరి అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నారో అక్కడ కూడా వీళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయడం హెల్ప్ చేస్తారు, వాళ్ళని కూడా మనం అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. डीसीपी टास्क फोर्स वेस्ट जोन की निगरानी में आशनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाकई स्नूका कैफे पर धावा किया गया और दो अफराद को गिरफ्तार किया गया जो हुक्का नोशी में मसरूफ थे. गिरफ्तार शुदगान में 21 साला एन साई कुमार साकिन शौकत नगर बंजारा हिल्स और 20 साला आर निखिल साकिन लालापेट शामिल हैं. पुलिस ने 31 हुक्का पॉट्स, 35 हुक्का किटों के अलावा 20 फ्लेवर्स और दीगर अशिया बरामद की. गिरफ्तार शुदा अफराद और जब्त शुदा अशिया को पुलिस आसिफ नगर के हवाले किया गया. डीसीपी बालनगर डिवीजन डॉक्टर वाई साई शेखर की क्यादत बालनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक शोभना कॉलोनी में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी. इस तलाशी मुहिम में डीसीपी के अलावा एक एसीपी, 3 इंस्पेक्टरान, 6 सब इंस्पेक्टर और 125 कॉन्स्टेबल्स ने हिस्सा लिया. मशकूक दस्तावेजात की बिना पर 35 बाइक्स, 4 ऑटोज, 1 कार को जब्त किया गया जबकि टीएस कॉप्स और दीगर एप्लीकेशन के जरिए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरमीन से हैं. बाजा पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया. एडिशनल डीसीपी वेजोन वेंकटेश्वर की क्यादत में हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सुभानपुरा, मांगोड़ बस्ती और दीगर इलाकेजात में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई. इस मुहिम में 200 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया. बगैर दस्तावेजात की 45 बाइक्स और 2 ऑटो जब्त किए गए जबकि जुमला 429 मकानात की तलाशी भी ली गई. 17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरमीन से पाए गए. गुटखा फरोख्त करने वाले एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया. मकामी अवाम ने पुलिस को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया जबकि तलाशी मुहिम शाम 7 बजे तक 10 बजे चलाई गई. एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बाजा तफसीलात बताई. कार्टन सर्च करा था, इसमें पूरा वेस्ट जोन का फोर्स में से 11 डिटेक्टिव इंस्पेक्टर 24 SIs और 2 प्लटून AR और तकरीबन 165 मेंबर्स सिविल और सिविल फोर्स डिफरेंट फोर्स पूरा कार्डनल सर्च में शामिल हुआ. ये एरिया में पूरा गली गली एरिया को हमारे लोग जाके हर घर घर को इंक्वायरी करें, तलाश करें. इसमें अपने को डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स 45 गाड़ियाँ मिला और 2 ऑटो भी मिला और अपना एरिया में कार्डनल सर्च करे जाए तो 17 आदमी वो लोगों का सी डाट एप्लीकेशन से यूज़ करे तो वो सी डाट में वो लोगों से क्रिमिनल से मिस मैचिंग है. वो लोगों का क्रिमिनल से ताल्लुका है. वो लोग 17 आदमी को भी कस्टडी लिया और एक गुटखा सेलर था वो गुटखा भी बेच रहे तो उसको भी एक आदमी को पकड़ के ले गया और ये कार्टन सर्च में पूरा जुमला 429
429 हाउसेस प्लेस में सर्च करें और ये सर्च में पूरा तकरीबन आधा घंटा तक चला एरिया में। खुदाई का काम अंजाम देने वाले मजदूर की लापरवाही के नतीजे में पुरानी हवेली दीवान देवड़ी मिरालम मंडी और पंजेशाह की आवाम तकरीबन 4 घंटे तारीकी में उन्हें गुजारना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक सारजंग म्यूजियम के करीब केबल का काम जारी था कि एक मजदूर ने केबल पर ही कटर चला दिया जिसके नतीजे में बर्खी मजदूर हो गई। इतला मिलते ही कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी वहाँ पहुँचे और बर्खी अहदेदारों को वहाँ तलब किया गया। AE और DE अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और तकरीबन 4 घंटों के बाद बर्खी बहाल की गई। मकामी इमाम ने डिवीजन कॉरपोरेटर के बरवक्त इकदाम की सराहना भी की। नीलफर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के वाकयात में कमी के बजाय इजाफा देखा जा रहा है जिसकी वजह से 3 माह का मासूम द्रोन कल शाम दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन यानी 18 अप्रैल को दरून को बुखार की वजह से नीलफर हॉस्पिटल शरीक किया गया था लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ओ पॉजिटिव के बजाय ए पॉजिटिव खून चढ़ाया था। तब से उसकी तबीयत ख़राब थी और बिलाखिर इस मासूम ने कल रात नीलफर दवाखाने में दम तोड़ा जिसके खिलाफ दवाखाने पर उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। कशीदा सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को तलब किया गया। DCP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद पुलिस की भारी जमीयत के साथ नीलफर दवाखाना पहुँची और पुलिस ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हालात को काबू में किया। DCP टास्क फोर्स की जेर क्यादत सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मन्नापुरम बिल्डिंग फ्लैट नंबर 202 पर धावा किया गया और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया जो हुक्का सेंटर चला रहे थे। इनमें 27 साल इमरान खान साकिन फसलान से और 29 साल कलीम मोहियुद्दीन शामिल हैं। पुलिस ने इस मकाम से 11 हुक्का पॉट्स के अलावा दीगर अशिया जब्त कर लीं। गिरफ्तार शुदा अफराद को जब्त करदा तमाम अशिया के साथ सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। आइए देखते हैं के बात की खबरें। एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ की नमाज जनाजा और तदफीन कब्रिस्तान बवाहिर वाक़े कामाटीपुरा में अमल में आई। एयर स्टाफ ने विदाई सलामी भी दी। इदरीस हसन लतीफ 9 जून 1923 को हैदराबाद स्टेट में पैदा हुए थे। उन्होंने निज़ाम कॉलेज में तालीम हासिल की जबकि वो हैदराबाद स्टेट के चीफ इंजीनियर हसन लतीफ के फर्जंद थे। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर बवाहिर बादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। महेश्वरम में एक शख्स ने बुमेरा तौर पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मकतूल ऐश्वर्या की नाज झाड़ियों में पड़ी हुई पाई गई। मकतूल की मां ने बताया कि उसके दामाद ने खुश रखने का वादा करते हुए उनकी बेटी से शादी की थी लेकिन चंद महीनों के बाद वो मुसलसल हरासा कर रहा था। शादी के बाद शराब नोशी के लिए रकम तलब कर लिया करता था और आखिर इसने उसकी बेटी का कत्ल किया। बताया गया है कि हमलावर शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है ताहम पुलिस की जानिब से तौसीख होनी बाकी है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने कमिश्नर ऑफिस में ई ऑफिस सिस्टम का आगाज किया। एक दिन कबल ही कमिश्नर पुलिस ने ऐलान किया था कि महकमे पुलिस में
कागजी कार्रवाई को कम करने, इसको हतमकान खत्म करने की गरज से ई ऑफिस सॉफ्टवेयर का आगाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे पुलिस ने NIC और ITNC महकमे से MOU भी दस्तखत किए हैं। इस मौके पर महकमे के पुलिस के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। आखिर में हम खबरें बार फिर। साइबर क्राइम टीम साइबराबाद की जानिब से क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखा देने वाली 4 टोलियां गिरफ्तार, नगद रकम व क्रेडिट कार्ड्स किए गए बरामद। हबीब नगर और बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में घर घर तलाशी मुहिम, मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक़्श KTR ने चिंतलकुंटा अंडर पास का किया इफ्तिताह, शहर को आलमी तर्ज पर तरक्की देने का किया इरादा। हुकूमती सतह पर मेड़े तखारीफ का इनेखाद, रियासती वज़रा ने तखारीफ से किया खिताब। इसी के साथ डुबरी न्यूज यहीं इख्तिताम पर होती है। रियासती कौमी और बैन अक्वामी खबरों के लिए देखते रहिए डुबरी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।